हाय दोस्त, नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा 10 विषय विज्ञान से। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे, जिस चैप्टर का नाम था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर दोस्त? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े थे कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का क्या कार्य है तथा चुंबक के गुण क्या हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर प्रभाव क्या पड़ा था, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, जिसमें दो नियम हम लोग पढ़े थे, दक्षिणावर्त नियम और अगला नियम था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसमें भी हम लोग पढ़े थे। तो आइए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो हाई स्कूल के दृष्टि से सबसे मोस्ट वीडियो होगा, जिस चैप्टर का नाम स्टार्ट में आपको बता ही दिया गया है। इसी चैप्टर से ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का नाम होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या ये भी बोला जाता है कि बाम हस्त का नियम क्या होता है। ठीक है दोस्त? तो ये हर बार बोर्ड में पूछा जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किसी बाएं हाथ के अंगूठा, ये वाला रहा हमारा अंगूठे, जो फोर्स किसके कार्य कर रहा है, फोर्स के कार्य कर रहा है। क्लियर दोस्त? और फोर्स अंगूठे जो है वो फोर्स का कार्य कर रहा है, अर्थात ये डायरेक्शन दे रहा है, और दूसरा जो हमारा है अर्थात बी नंबर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए दृष्टि के लिए है, और तीसरा नंबर जो ये हमारा ये वाला भाग है जिसको हम बोलेंगे विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा के लिए कार्य कर रहा है। अर्थात फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम जो है, अंगूठा फोर्स अर्थात बल के लिए कार्य कर रहा है, और उसके बाद वाली जो उंगली है वो आपके बी नंबर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक एरिया में ये कार्य कर रहा है, और तीसरा नंबर जो है उंगली हमारा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार ये हमारा है विद्युत धारा, अर्थात ये धारा जिसे आई से डिनोट करते हैं इसके अनुसार कार्य करेगा। इसका परिभाषा हम लिखाएंगे अभी, परिभाषा नोट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डायग्राम इसको देखते हैं, एक छोटा सा डेमो के रूप में मान सकते हैं इसको। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के अनुसार ये हमारा रहा अंगूठे, क्या ये अंगूठा वाला भाग जो फोर्स अर्थात बल, क्लियर, और उसके बाद से अंगूठे के बाद जिसको हम यहां डायरेक्शन कर दे रहे हैं अंगूठा, अंगूठे, क्लियर, और उसके बाद वाला जो है फर्स्ट अंगुली, क्लियर, और ये थर्ड वाला जो है इसको मानते हैं फर्स्ट, और ये हमारा होगा सेकेंड अंगुली, क्लियर। जो फर्स्ट वाला अंगुली है वो किसके लिए कार्य कर रहा है, मैग्नेटिक एरिया के लिए, क्लियर, मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है, और इसके बाद वाला जो है विद्युत धारा, ठीक है दोस्त, ये किसके लिए कार्य कर रहा है, विद्युत धारा अर्थात ये क्या है आई, और ये हो गया हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा एफ, क्लियर। तो ये हुआ हमारा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, जो फिगर के माध्यम से हमें दर्शाना है। अगर आपको बोर्ड में अगर ये आ रहा है क्वेश्चन कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम क्या होते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का सचित्र वर्णन कीजिए, क्लियर दोस्त, तो हमें करना क्या है, सिर्फ यही डायग्राम बनाना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा
जो फोर्स के लिए कार्य करता है, और जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है, और जो सेकेंड उंगली है वो किसके लिए कार्य कर रहा है, विद्युत धारा के लिए कार्य कर रहा है। तो इसका परिभाषा नोट करेंगे, लिखिए परिभाषा लिखेंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, एक बार और सुनेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, तो यदि पहली उंगली, अर्थात यदि पहली उंगली जिसको डायग्राम में हम बनाया है बी नंबर, फर्स्ट उंगली को अगर दर्शा रहे हैं मैग्नेटिक एरिया के लिए, तो ये होगा यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा बीच वाली उंगली अर्थात सेकेंड उंगली, ठीक है, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अर्थात इस परिभाषा को याद नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। ये सिंपल में हमारा परिभाषा था कि बामहस नियम के अनुसार, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार है, अंगूठा जो फोर्स अर्थात चालक के बल की गति को बता रहा है, और जो फर्स्ट उंगली है वो मैग्नेटिक एरिया अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लिए गति को बता रहा है, और तीसरा है वो क्या है, विद्युत धारा आई के लिए डिपेंड कर रहा है। ठीक है दोस्त, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से लिखिए, ये 100% आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।